हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सपोज़ आपने किसी भी कंपनी या कॉलेज का फॉर्म भरा है, डीएनएस स्पॉन्सरशिप फॉर्म, और आइदर फॉर बीएससी और बीटेक और डीएनएस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि सर मैंने ट्वेल्थ के मार्क्स गलत भर दिए, सर मैंने मदर का नाम गलत भर दिया, सर मैंने रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए, सर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह बर्थ सर्टिफिकेट के नंबर डाल दिए। कुछ भी आपकी मिस्टेक हो, फादर नेम में, मदर नेम में, आपके खुद के नेम में आपने सरनेम डालना भूल गए, या फिर आपने टेंथ की जगह ट्वेल्थ के परसेंटेज डाल दिए, या फिर इंग्लिश के मार्क्स गलत डाल दिए, या फिर आपने एड्रेस गलत डाल दिया, या आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिए, कोई इशू नहीं है ना। वो आपका जो फॉर्म है वेस्ट नहीं जाएगा, आप दोबारा अपने पैसे वेस्ट ना करें, दोबारा फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर द नॉर्मल फॉर्म्स। तो उसमें आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो आपको डिटेल्स रहेंगी वो इम्पोर्टेंट है। अभी फॉर्म में तो ये फॉर्मेलिटीज़ है, तो आपने अगर गलत फॉर्म भर दिया है, गलत कुछ डाटा डाल दिया है फॉर्म में, कोई इशू नहीं होगा। तो आप उसको बाद में करेक्शन वो हो जाएगा, तो आप दोबारा फॉर्म ना भरें, दोबारा फीस ना अपनी वेस्ट करें। सपोज़ सीनर्जी है, सीनर्जी का 2300 फीस चार्ज है फॉर्म का। अगर आप ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से दोबारा 2300 लगाते हैं, कोई उसका वैल्यू नहीं है। आपका जो फर्स्ट टाइम में आपने भरा है, लेट इट बी, उसको वैसे ही रहने दें। और अभी IMECT की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट IMECT में भी मिस्टेक्स करते हैं। कई स्टूडेंट्स ने मदर की जगह फादर का नाम डाल दिया और फादर की जगह मदर का डाल दिया। ऐसी भी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर्स में की है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप बाद में IMECT को, जो IMU को, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई को आप मेल डाल सकते हो, और आपका जो भी क्वेरी है वो आप मेल में डाल सकते हो, तो आपका वो क्वेरी रिजोल्व हो जाएगा। ऐसे हमारे 2-3 स्टूडेंट्स से मिस्टेक हो चुकी, बिग मिस्टेक। उसके बाद IMU के मेल डाला गया, उनको पूरा लिखा गया कि ये मिस्टेक हमने कर दी है और ये करेक्शन हमें चाहिए, तो वो मेल किया और वो हो गया, कोई इशू नहीं हुआ उसमें। अदरवाइज़ स्टूडेंट्स को बहुत डर था, सर मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मेरे जो मदर की जगह फादर की जगह मदर का नाम डाल दिए, अब क्या करूं, अब मैं तो इस साल IMU के लिए एलिजिबल ही नहीं होऊंगा, मेरा तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, उनको मेल करना है, दैट विल बी करेक्ट ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम के बाद मेल डालना है जो आपकी मिस्टेक फॉर्म में हुई है, दैट्स इट। तो गाइस, बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंपनी का, तोलानी, IMI, MET, TS रहमान, एंग्लो, ग्रेट ईस्टर्न, सिम्स, किस HIMT, किसी भी कंपनी के फॉर्म में आपका कोई भी मिस्टेक आपने कर दिया है, या फिर किसी भी कंपनी के फॉर्म में आपने अगर मिस्टेक कर दिया है, तो कोई इशू नहीं। सिर्फ आपका मेल ID करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज वो अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं रिटर्न और इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए आपका मेल ID करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज मेल पे ही आपका फर्दर जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो आएंगे। तो आपका मेल ID करेक्ट होना चाहिए, ताकि आपको मेल मिल सके उनका। अदरवाइज छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो कंसीडर की जा सकती हैं। ओके, तो आप कोई भी फॉर्म में अपना दोबारा पैसा वेस्ट ना करें, जो फॉर्म आपने पहले फिलअप कर दिया है, दैट्स इज़ ओके। जो भी मिस्टेक होंगी आगे रेक्टिफाई हो जाएंगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके गाइस, थैंक यू।